प्रणाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा दिन का भाग दो देखेंगे आज। भाग दो करने के विधान और लाभ देखेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इस प्राणायाम करने से शरीर के संतुलन शक्ति बढ़ते हैं और मुंह पे चमकता है और खिन्नता दूर होता है, मानसिक बीमारी भी कम होता है। हमारे हृदय को अच्छा तरह ऑक्सीजन मिलने से हृदय मजबूत सशक्त होता है, रक्त का भी शुद्धिकरण होता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारा ब्रेन में, मस्तिष्क में स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए बहुत सहायता करता है। पूरा मांसपेश के लिए भी उत्तम परिणाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, तीनों दुखों को दूर करके हमारा तनाव, दुख, चिंता दूर होने के बावजूद शांति ऑटोमेटिकली मिल जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए, ऊर्जा शक्ति बढ़ने के लिए, प्रकृति का बीच हमारा मन जाकर नया नया अनुभव पाने के लिए बहुत सहायता करता है। हमारे शरीर में नेगेटिव विचार निकलकर, नेगेटिव विचार दूर होकर सकारात्मक विचार बढ़ते हैं। इस वजह से जब तक श्वास लेते हैं तब तक रुकना छोड़ना आज दूसरा दिन का प्राणायाम करेंगे। ये अंतक कुंभ का प्राणायाम कहते हैं इसका। अभी धीरे धीरे हमारे लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा से हाथ रखकर दाहिना हथेली से अंगूठा और तंब से दाहिना नाखून बंद करके गहराई से श्वास लेना चाहिए। धीरे धीरे लेकर रुकना पड़ेगा। इस और लेफ्ट साइड से छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से गहराई से धीरे धीरे श्वास लेना, रुकना, गहराई से श्वास लेना, रुकना, लेफ्ट साइड से छोड़ना। लेफ्ट साइड से गहराई से धीरे धीरे श्वास लेना, रुकना, छोड़ना। इस तरह धीरे धीरे लेने के लिए पूरक कहते, रुकने के लिए कुंभक कहते, छोड़ने के लिए रेचक कहते। अंदर रुकने से इसका अंतक कुंभक प्राणायाम कहते। ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, रक्तचाप होने वालों को बहुत उत्तम है। बीपी हाई होने लो होने वाला अंतक कुंभक प्राणायाम करने से संतुलन और समस्थिति होता है। बीपी लो होने वालों को ये प्राणायाम उत्तम है। ऐसा लेफ्ट से 10 बार किया, अभी राइट से धीरे धीरे श्वास लेकर रुकना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकता है, राइट छोड़ना पड़ेगा। राइट साइड से गहराई से श्वास धीरे धीरे लेना, रुकना,
राइट साइड से छोड़ना, गहराई से श्वास लेना, रुकना, राइट साइड से छोड़ना। इस तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम दूसरा प्रकार के पूरक अंतक कुंभक रुककर बाहर छोड़ना पड़ेगा, इससे बीपी लो होने वालों को बार बार यह प्राणायाम करने से उनको संतुलन समस्थिति होता है। ये अंतक कुंभक प्राणायाम कहते हैं इसका। आज दूसरा प्रकार के प्राणायाम देखे, कल दूसरा प्रकार के प्राणायाम देखेंगे।